ना ब्लॉगिंग किया जाए। बैंक का ससुरा काम है वो हमारा। सब लोग आइए खाने के लिए। वेलकम। सैंडविच का लुफ्त उठाइए। मेहरबान कदरदान और भाग्यवान आज हमारे घर पे आ रहे हैं मेहमान। यस, उन्हीं के साथ आज हम करेंगे हमारा रात का खान पान। पर ये जो खान पान की प्रक्रिया है वो रात को होने वाली है। अभी तो दिन चढ़ा है। दिन ऐसा वैसा दिन नहीं है। ये दिन है पट्टी वाली गर्मी, सूर्य देव के जोरावर स्वरूप वाली गर्मी। यस, और बात करें घर के माहौल की तो सुबह का माहौल है। किचन में कुछ ग्रेवी की खुशबू हमको आ रही है। किचन में क्या चल रहा है? अरे वाह, ग्रेवी वाली सब्जी, बड़े दिन हो गए नहीं खाई। ये है गार्लिक की चटनी। ओके, प्यार से बनाई ना बेबी। ढेर सारा गुस्सा डाला, ढेर सारी रेड मिर्ची डाली, ढेर सारा गार्लिक डाला। मतलब कि बाहर तड़का और इधर तुम्हारा भड़का, मतलब तड़के में भड़का। ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ, ऐसा बता रहा हूँ कि ये कलर बहुत ही अच्छा है। लगता है कश्मीरी मिर्च डाली है, कश्मीरी। और वातावरण क्या है ये तो आप खुद देख लीजिए। क्या मस्त गरम गरम हो आ रही है, मतलब कि 40 डिग्री की गर्मी। वाओ, पट्टी वाली गर्मी का एहसास इस व्लॉग में आपको भी हमारे साथ डेफिनेटली हो जाएगा जनाब, श्योर। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को, आज के व्लॉग को, क्योंकि आराम जो है वो हमारी जिंदगी में हराम है। यस, और हमको करने ढेर सारे काम हैं। माहौल थोड़ा आज गर्म है। जितना गहरा ये गार्लिक चटनी का कलर है उतना ही गहरा मेरे पार्टनर का प्यार है। यार प्यार 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 बोला तो प्यार ही बोला, और हमने कुछ नहीं बोला। आजकल के व्लॉग्स में तो जब भी मौका मिलता है सिनेमैटिक मोड में ही भाई व्लॉग शूट होते हैं। हमारे पीछे जो स्त्री खड़ी है, कृपया उन पे रोशनी डाली जाए। देखा बेबी, प्रकाश वापस इधर से इधर ट्रांसफर किया जाए। यस गाइस, कैसा लगा मैजिक? इसको बोलते हैं सिनेमैटिक मोड। यस, पहले शायद एक दो बार एक्सप्लेन किया है, बट ये है जादू सिनेमैटिक मोड का। आई होप अपडेट के साथ ये शार्प होता जाए हमारी पत्नी के माइंड के जैसा। सारी पत्नियों को निवेदन है कि हमारा जो अर्थ है, प्लैनेट अर्थ, उसमें समर में टेम्परेचर तापमान बैलेंस रखने के लिए आपका दिमाग ठंडा रखना बहुत ही जरूरी है, और ये योगदान डेफिनेटली बेनिफिट करेगा हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर को, और सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा आपके खुद के घर के माहौल को। तुम ठंडी रहा करो, क्योंकि ऑलरेडी 40-45 डिग्री है तो ज्यादा हीट बाहर हो लगती है, मतलब कनेक्टेड है ना बेबी नेचर के साथ। तुम, मैं, हम सब प्रकृति के साथ कनेक्टेड हैं, तो तुम गुस्सा करोगी तो तापमान बढ़ेगा ना। तो जनता को कूलिंग देना हमारा दायित्व है समर में, तो सब शांति से आराम से कूलिंग, मतलब समझो दूसरों की भलाई के लिए तुम अगर शांत रहोगी तो बहुत ही एनवायरनमेंट को बेनिफिशियल रहेगा ना। पूरी आशा रखते हैं और शुरुआत भी आप ही से करते हैं। मैं बताती हूँ, आज से ही मैं योगदान देती हूँ कि हर एक पत्नी ऐसे हस्बैंड को ऐसे निचोड़ना चाहिए, ऐसे ला 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 ला
थोड़ा सा सोच लो, कूलिंग इफेक्ट रखना है आपको, ठंडे दिमाग से मैं रहूं। हाँ। आप एक चीज कर लो, ब्रेड ले आ दो, आलू ले आ दो, धनिया, मिर्ची एंड लेमन, कूलिंग इफेक्ट मेंटेन करने के लिए जाओ, तुरंत लेकर आओ सारी चीज है। अच्छा बेबी, तो मेंटेन रहेगा। ओके 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 ओके, नो नो प्रॉब्लम बेबी, नो नो प्रॉब्लम बेबी, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, अभी जाके ले आता हूँ, काम कर। गाइस, धरती माता और हमारे आसपास के स्वस्थ और शांत और ठंडे एनवायरनमेंट के लिए हम योगदान देंगे और लेकर आएंगे वो सारी चीजें ताकि कूलिंग इफेक्ट मेंटेन रहे। वो तो सो गाइस, कैसे हो आप सब? नीरव गए हैं नीचे बाइक वॉश करने के लिए, बाइक बहुत डर्टी था तो वो नीचे गए हैं बाइक वॉश करने के लिए। डिनर के लिए प्रिपरेशन कर रही थी तो सोचा कि और फोन हाथ में आ गया तो थोड़ा सा क्यों ना व्लॉगिंग किया जाए। आज मेरे कजिन्स आ रहे हैं तो थोड़ा सा दिए हैं बटेटे बॉईल करने के लिए, रेड गार्लिक चटनी, दोपहर का खाना दाल एंड राइस। नीरव ऊपर आएंगे, बाद में हम दोनों साथ में लंच करेंगे, बाद में उनको भेजती हूँ मार्केट, कड़ी धूप में हम भेजेंगे, क्यों बैलेंस रहे ना। गर्मी नेक्स्ट, ये भी नेक्स्ट लेवल की गर्मी है आज। हाँ हाँ, गर्मी नेक्स्ट लेवल की। बाइक तो क्लीन हो गया बट हम हीट हो गए हैं, तुम्हारा असर हम पे होने लगा है बेबी। अच्छा yes. पर आज से ही हमने नफी ना किया ये योगदान का चक्कर। आज मुझे थोड़ा तुम्हारा जैसा महसूस हो रहा है, मतलब कि गरम गरम फील हो रहा। अच्छा इसलिए पता चला कोई वाइफ क्यों गरम होती है। इधर हम रहते हैं एक घंटा दो घंटा और आप कितने मिनट गए थे सब नीचे? अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि एनवायरनमेंट में चेंजेस क्यों होते हैं, मतलब ऐसा फील हो रहा है। अच्छा, महसूस समझ में आ रहा है थोड़ी गेम, मतलब ये। अच्छा नीरव, आपका कलेक्शन खतरनाक। समर में जाने के लिए मैं क्या जींस पहन के निकलूं? जींस, टी शर्ट कुछ अलग रंग की, शॉर्ट्स कुछ अलग रंग के और मुंह के हालत कुछ अलग रंग के। बहुत भूख लगी है और काम अच्छा। जाना है अभी, तुम्हारा ये दाम जाम सब लेने जाना है मुझे डीमार्ट में, बैंक में जाना है। अच्छा। आपसे निवेदन है कृपया भोग लगा दीजिए। अब कभी कोई वुमन के से मत करना एनवायरमेंट। क्या है क्या? नहीं नहीं नहीं, क्या वर्ल्ड अर्थ डे सेलिब्रेशन, प्लीज खाना लगा दीजिए, भूख लगी है हमको। क्या ने एक काम कर कर आए और भूख लगी खाना लगा दो, हम सुबह के काम करते हमको तो कुछ नहीं होता। कुछ बेबी माय माय बेबी लव, माय बेबी लव, या ये सारी चीज है ना सब पता चला मुझे तो, व्लॉग एंड होते ना, व्लॉग अपलोड होते तब पता चलता है ऐसा सब कुछ रखा है। लाइफ में अगर सस्पेंस ना हो गाइस तो लाइफ का मजा है, वैसे ही व्लॉग में सस्पेंस ना हो तो व्लॉग का क्या मजा भला। आज एक सस्पेंस और है। क्या? आज खाना ही नहीं बना दोपहर का, फिर भी रात को ही मिलेगा। आर यू सीरियस? यस एक दिन नहीं बना तो आज छुट्टी थी बोको तो रात को खाना बनाना था तो और क्या निया? एक काम कर, बाइक लुच कर आए, भूख लग गई जनाब को। दुनिया जीत कर आए।
तो गाइस जितने भी लोगों को मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है तो मौजूदा जिंदगी में भी ये प्रैक्टिस आप कर सकते हो। अगर आप इस एनवायरनमेंट में काम डाउन रहे तो आप हर एक सिचुएशन में काम डाउन रह सकते हो। तो ये बेसिकली अत्यंत जरूरी है। शादीशुदा जिंदगी से ही आप पावरफुल बन सकते हो हमारी तरह, क्योंकि यू विल लर्न हाउ टू बी काम डाउन इन ईच एंड एवरी सिचुएशन इन दाम्पत्य जीवन, हैप्पी दाम्पत्य जीवन। और कर दिया खाना, बना दिया, चलो बाद में लेना जाना, सारे काम पड़े हैं, लो कोई मजाक नहीं, एक सिर्फ खाना नहीं मिला, एक खाना नहीं मिला, देवी के जीवन। मेरी बार एक्सप्रेशन मतलब दिल खुश कर दिया सच में। ऐसे ही एक्सप्रेशन देती रहो, एक न एक दिन तुम्हारे इमोजी आएंगे, एप्पल वाले और एंड्रॉइड वाले इमोजी बनाएंगे, इतना क्यूट एक्सप्रेशन देती हो सच में। इनके इमोजी अगर आएंगे तो फोन हीट नहीं होगा ज्यादा। जय श्री राम। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बेबी बेबी मैं तो बस ऐसे कुछ एंटरटेन कर रहा था जनता को। बेबी काम बेबी ना बाबू हमरा जल्दी करो। हेलो, कैसे हो? What's up beautiful and blossom people, this is Josh Armani, I'm back again, back to the new day and गर्मी वाला व्लॉग। तो बाइक की सफाई तो हो गई बट हमारी उसमें काफी धुलाई हो गई पसीने से। तो यस, अब टाइम आ चुका है और भट्टी में सिकाने का, मतलब कि आउटसाइड जाने का। हमारी भाग्यवान ने बताया कि आ रहे हैं मेहमान, तो करते हैं हम प्रस्थान। वो सबसे पहला जो काम है वो है बैंक का। यस, बैंक का काम हमको है निपटाना और उसके बाद वहां से हमको है डीमार्ट जाना। यस, तो बैंक का जो काम है वो निपटाना जरूरी है, क्योंकि जल्दी ना पहुंचे तो वो बंद हो जाएगा। अभी जो आप क्लिप्स देखने वाले हो वो सारी आएगी हमारे गैलेक्सी S9 प्लस से, और आईफोन हम घर पे रख के ही जाएंगे। सोच रहा हूँ कि ये ही लेकर जाऊँ गैलेक्सी S9 प्लस, क्योंकि आईफोन इतनी धूप में ले जाना आई वुड नॉट रिकमेंडिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कुछ हो जाएगा, बट रिस्क लेना नहीं चाहता गाइस। क्यों रिस्क ले, व्हाई शुड आई टेक द रिस्क, क्योंकि अभी लैपटॉप है नहीं, कैमरा है नहीं, तो अगर कुछ भी हुआ तो ये जो हाई क्वालिटी कॉन्टेंट है वो पूरा काम मतलब कि ऑलमोस्ट बंद ही हो जाएगा, और ऐसा रिस्क हम क्यों ले भाई साहब। पुराना सैमसंग गैलेक्सी S9 प्लस, गाइज हमने ये जैकेट इसलिए चेंज किया है क्योंकि उसका बटन है शर्ट का वो पुल आउट हो गया। इतने दिन बाद मिस्टर बीस्ट कुछ अच्छे और चमकदार लग रहे हैं, और ना पिछले व्लॉग्स में इनकी जो हालत थी गाइज वो बहुत ही खराब थी भाई साहब। सॉरी मिस्टर बीस्ट, आपको स्पा थेरेपी बहुत लेट मिली इस टाइम। मेरे को ऐसा लगता है कि किसी भट्ठे के पास बैठे हो, उस टाइप की हीट वेव आ रही है, और इसीलिए मैंने आईफोन 13 प्रो मैक्स नहीं लिया। राम गई माता गौ माता। Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make the make it a microphone dead. Don't step to me, newbie, I could truly be moody, I could have played the fucking Grinch in the movies. I've been a part-time shadow cat, part-time, that is not a guy that I would ever want to try to battle rap. Snap, crackle, Jai Siaram Bajrang Bali. Pop mind fried to a crisp, make an MC into a wide-eyed lunatic. Sundar to sabhi lagti hai shuruaati dor mein. जो भयानक रूप होता है ना किलविश वाला, वो शादी के 5 या 10 साल बाद दिखता है। अगर थोड़ा ससुरा लेट हो जाते तो यहाँ का आज का काम तो समझ लो फेल ही हो जाता। थैंक यू वेरी मच, जय स्वामीनारायण। बैंक का काम ऊपर वाले की दया से हो गया फाइनली। हम आप 5 मिनट लेट पहुंचे होते तो ये हमारा जो पीओग्राम है वो
चौपट हो जाता। यस, बैंक का काम तो हो गया तमाम, बट अब जाना है डीमार्ट, तो चलिए डीमार्ट जाके कुछ ग्रोसरी लेकर आते हैं ताकि हमारी भाग्यवान है वो अपना काम शुरू कर दे। यस, मेहमान नवाजी की तैयारी, जो प्रोग्राम बनाया है डिनर का, तैयारी करनी पड़ेगी। चलिए डीमार्ट। वो लीटर जीरा ले लिया है एंड यस ये ब्रेड ली है गाइज।